हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि एसएससी में जीडी कांस्टेबल के फार्म भरे गए थे, उनके रोल नंबर है वो आ चुके हैं, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये है एसएससी की मेन साइट जहाँ पर लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपको क्या करना है कि ये वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे 5 फरवरी को उन्होंने अपलोड किया है इम्पोर्टेंट नोटिस, कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी कांस्टेबल असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। यानी 2018 में इनके फार्म भरे गए थे और अभी जो इनके रोल नंबर आ चुका है और इसका एग्ज़ाम होना है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है नोटिस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, जिसमें दिया गया है कि कांस्टेबल जीडी है जो उसका एग्जामिनेशन है वो होना है, उसके रोल नंबर है वो आ चुके हैं और आप जो है रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर डाउनलोड कैसे करना है, आपको एसएससी की वेबसाइट ओपन करनी है। आपने कौन सा रीजन अप्लाई किया था, जैसे एनसीआर एनडब्ल्यूआर, आपने जो जहाँ से अप्लाई किया था जिस रीजन के लिए, आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है एडमिट कार्ड मे बी डाउनलोड फ्रॉम द फ्लोइंग रीजन वेबसाइट। आपको इनमें से जो वेबसाइट आपने जिसके मान लो सेंटर के लिए अप्लाई किया था, जैसे आपने चंडीगढ़ बठिंडा अप्लाई किया था, एनडब्ल्यूआर में आता है, एनसीआर दिल्ली के अंदर आता है, तो वहाँ से आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, एनडब्ल्यूआर की वेबसाइट ओपन की है मैंने, एसएससी एनडब्ल्यूआर की। यहाँ पर है एडमिट कार्ड का ऑप्शन, आपको यहाँ एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन होगी जिसमें दिया हुआ है डुप्लीकेट एडमिट कार्ड। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कांस्टेबल जीडी। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पुट करना है और यहाँ पे आपके पिताजी का नाम या माता का नाम, इनमें से कोई भी एक नाम है जो आपको इसके अंदर फिल करना है। अगर नाम की पूरी स्पेलिंग पता नहीं है तो शुरू के 4 डिजिट है वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने एसएससी में जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए फार्म भरा है वो अपना रोल नंबर है जो डाउनलोड कर सकता है। उसकी एग्ज़ाम की डेट है वो नज़दीक है, तो कोई भी दोस्त मिस न हो इसलिए हमारी वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बार दोस्तों को पता नहीं चलता है कि उसका रोल नंबर आया है नहीं आया। हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो अपलोड की जाती है, तो दोस्तों हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है।